वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ब्लॉग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिलासपुर कुशलापुर से। तो मैं अपना घर वर छोड़ छाड़ के फिर से एक बार आ गया हूँ अपने वापस ज्वाइन करने के लिए वापस से बिलासपुर में। एंड हालत ख़राब है, अभी चलते हैं सबसे पहले रूम फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर इसके बाद जाएंगे ऑफिस। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि अगर आप घर पर रह के कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो तो आप घर छोड़ दो। इसी सोच के साथ मैं घर को बाय बाय बोल के पहुँच जाता हूँ अपने ऑफिस की ओर, जहाँ मैं 2 महीने पहले काम करता था। मैं अभी अभी जस्ट पधारा हूँ अपने बिलासपुर वाले रूम पे एंड आते के साथ मुझे मिले देखो 1-2 मासूम और प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से फ्रेंड। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद भाई लोग के साथ मुलाकात। सुबह सुबह धनिया पत्ती का नाश्ता। सभी का करंट सिचुएशन ये है कि अभी आजकल ऑफिस में सब इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं एंड सबको अपना अपना काम अच्छे से पता हो गया है। लाइक देट जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई जो कि इनके पास आज एक प्लेटिनम का पेमेंट आने वाला है आई थिंक, है ना प्रशांत भाई? तो भाई अपने मतलब अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं मिस्टर विवेक सर, विवेक बिंद्रा सर के टीम पे, तो भाई साहब झंडे पे झंडे गाड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं हमारे बिलासपुर ब्रांच में। एंड इधर देखो भाई, सब अपने अपने पारी के इंतजार में, सबको अपने भाई यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। चलो टेल मी अबाउट व्हाट इज द सेल्स, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेल्स, सेल्स के बारे में बताओ। थोड़ा कोई प्रॉब्लम है यहाँ से मेरे को सलूशन मिल सकता है, ठीक है, तो वो हमारे साथ सुन भी सकता है अपने बिजनेस रिलेटेड। ई पे ई मतलब आपको उसके पूरे मतलब आप एकदम रेडी हो जाओ, एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर, एनर्जी होना चाहिए प्रेजेंटेशन करने के लिए सामने वाले के पास, ठीक है। तो वो जब दोनों चीज़ रेडी हो गया तो जब सामने वाले की नीड आपने समझ लिया, प्रॉब्लम भी समझ लिया, अब आपको तीसरे पे जाना है अर्जेंसी, अर्जेंसी क्रिएट कर देनी है कि सर ये प्रोडक्ट आपको लेना है, उसकी नीड बना देनी है। नीड नहीं है तब भी नीड क्रिएट करनी आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जब आपने यू पे अर्जेंसी पे काम कर दिया तो डील होना 100% डन है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। ये सिगरेट बस आप लोग अपने तक रखना भाई। अभी तो हमारा प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे अपन मस्त बैठ के ग्रुप में एंड डिस्कशन कर रहे हैं नेक्स्ट जो आने वाले टाइमिंग है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सब। और ये हमारे प्रथम सर। तो गाइस अचानक से मेरा जो ब्लॉग है ना वो चेंज हो गया आई थिंक, क्योंकि एंटरटेनमेंट से डायरेक्ट बिजनेस लाइन पर मेरा ब्लॉग घुस गया। तो दोस्तों एडजस्ट करना, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड प्रथम सर को देखो। अभी हम लोग ना ऑफिस से निकल के मतलब निकल के जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा टाइम पास करने रोड, बिकॉज फ्रेश करने के लिए जा रहे हैं ऑफिस में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर लगने लगता, नींद आती है, माइंड स्लो हो जाता है, तो थोड़ा फ्रेश होने के लिए वॉक करने। मौसम भी बढ़िया है, धूप कम है, बढ़िया है। तो देखा IBC बड़ा बिजनेस का ताकत, कभी भी आप घूम सकते हो, कभी भी आप कुछ भी कर सकते हो, बस फ्रीडम टाइम मनी फ्रीडम सब कुछ यहाँ पे है। तो भाई मज़ा तो आता है। अभी जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर, मेरा फर्स्ट टाइम होगा, जाने का बड़ा तलब था एंड आज वो सपना पूरा हुआ है। अपना काम धाम पे ख़त्म करके आज इस्कॉन जा रहे हैं। इस भाई साहब को प्रसाद खिलाएंगे, हम भी प्रसाद खाएंगे। अरे मेरे को स्पेशली लेके जा रहे हैं। नमस्कार गुरु जी। तो गाइस गाड़ी यहाँ पे फंस चुकी है, कि टेम्पो वाला जब तक नहीं निकालेगा तब तक अपना गाड़ी नहीं, वापस घूम के जाना पड़ रहा है उधर से व्यवस्था है। तो टेम्पो वाला भाई बीच में खड़ा कर दिया, तो कंजेस्टेड एरिया है। ये तो भाई बहुत खतरनाक वाला ट्रैफिक मिल गया यार।
हम लोग जाने के लिए दो रूट चूज किया, दोनों रूट ब्लॉक था भाई। तो अभी तीसरा रूट देखते हैं भाई, ये तो प्रो प्लेयर है भाई। फाइनली हम लोग हैं इस्कॉन मंदिर के अंदर और वहाँ पे राधा रानी जो पर्दा दिख रहा है उसके पीछे में है राधा रानी का मूर्ति। तो अपन दर्शन करने आए थे, दर्शन कर लिए, बट अफसोस कि आप लोग को दर्शन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि पर्दे लगे हैं। कोई बात नहीं। और इधर बनता है भाई खाना वाना। फिलहाल अभी तो इस्कॉन मंदिर का जो पर्दे हैं लग चुके हैं, बट मैं आपको चोरी चुप के दिखाता हूँ राधा रानी का मूर्ति। ये रहे भाई राधा रानी, ऐसे दिखते हैं राधा रानी, है ना भाई? मेरे को ये मन में बोलने ऐसे कर, इसको मन इसको मन छुए से किसको नहीं छूना है? यही वाला को नहीं छूना है।